नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की साला में झूलन महोत्सव के अवसर पर पूरन बैराठी पीठाधीश्वर स्वामी राम सेवकदास जी महाराज ने बताया कि किसी भी धार्मिक कार्य की पूर्णता हवन के द्वारा ही संपन्न होती है। विगत 7 दिन से चल रही भागवत कथा का विश्राम हवन के साथ हुआ। महाराज जी ने बताया कि हवन करने से देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, उसके साथ प्रकृति भी शुद्ध होती है। हवन की सुगंधि से अनेक रोगों का नाश होता है, जलवायु पवित्र हो जाती है। सिद्धपीठ में कार्यक्रम के आचार्य जानकी वल्लभ पाठक जी ने पूरे विधि विधान से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कराया। हवन की पूर्णावती में पूज्य महंत स्वामी राम सेवकदास जी महाराज एवं कथा व्यास पूज्य दीपा मिश्रा जी एवं यजमान श्रीमती सुचिता चंदन अग्रवाल, श्रीमती संगीता सुभाष अग्रवाल, श्रीमती कुसुम ललित खंडेलवाल, अर्जी वाले गणेश मंदिर, श्रीमती रेखा ओम प्रकाश अग्रवाल, प्रकाश शर्मा, श्रीमती मंजू गिरिराज अग्रवाल, पंडित प्रदीप शास्त्री, संजय शास्त्री आदि उपस्थित रहे। रात्रि में सुंदर रास लीला का मंडन किया गया। रास लीला में सुंदर राधा श्याम सगाई का लीला का मंडन किया गया। लीला के माध्यम से कंसपद की लीला का मंचन किया गया। सभी भक्तों द्वारा रासलीला की आरती उतारी गई। अजीब नूर वाला ऐसा महबूब कहीं हुआ ना।